क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने खुद की सुपारी दी हो? शायद ऐसी कहानी अब तक आपने फिल्मों में भी नहीं देखी है, लेकिन अंबिकापुर में एक युवा बिजनेसमैन के हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने अजीब खुलासा किया है, जिस पर ना तो आम लोगों को भरोसा हो रहा है और ना ही मृतक के परिजनों को। और तो और, पुलिस खुद इस मामले को हजम नहीं कर पा रही है। जहां परिवार के लोग पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस इस हत्याकांड के सभी बिंदुओं पर जांच की बात कर रही है। क्या है पूरा मामला, कैसे खुद के कत्ल की कोई सुपारी दे सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। अंबिकापुर में 20 अगस्त की शाम एक युवा व्यवसायी लापता हो गया, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी थी। रात भर जांच के बाद जब सुबह उसकी लाश चठीरमा के जंगल में एक बंद कार में मिली, तो पुलिस ने मामले में संजीत मंडल को गिरफ्तार किया, जो कि करीब 2 साल से मृतक के दुकान में काम कर रहा था। पूरे मामले का खुलासा एसपी ने किया है और कहा है कि मृतक ने खुद ही अपनी हत्या की सुपारी दी थी। वो आरोपी के पास खुद ही 3 देसी पिस्टल लेकर पहुंचा था और आरोपी को सुपारी के 50,000 रुपए भी दिए थे। साथ ही मृतक ने आरोपी से ये भी कहा था कि उसकी हत्या करने के बाद वो उसके शरीर के गहने भी ले जाए, जिसके बाद आरोपी ने मृतक को 3 गोलियां मारी और पैसे और गहने लेकर वहां से चला गया। मृतक ने ही बोला कि आप मुझे मारो, और उसके एवज में उसने बोला कि आप 50,000 और मेरे शरीर के जितने गहने हैं वो रख लेना। इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी हत्या की सुपारी क्यों देगा? मृतक परिवार संपन्न था, फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? अगर मृतक के पास पिस्टल थी तो उसने खुद को गोली क्यों नहीं मारी? हत्या के बाद आरोपी अपने घर में था, उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं? और सबसे अहम सवाल कि आरोपी के खिलाफ पहले ही आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, तो क्या किसी के कहने पर आरोपी ने युवा व्यवसायी की हत्या की होगी? पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेने की जगह जेल में दाखिल कर दिया और उसे बारीकी से पूछताछ क्यों नहीं की गई? ऐसे कई सवाल हैं जो इस हत्याकांड और इसके खुलासे से उठ रहे हैं। इसके साथ ही मृतक अक्षत के परिवार और समाज के लोग भी पुलिस के इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है और इस मामले में गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर एसपी भी इस हत्याकांड में अन्य पहलुओं से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एसपी का कहना है कि इस मामले में अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। नहीं, बिल्कुल, हमारी तो अभी भी जांच की मांग थी। हमने उनसे वही चीज बोला है कि भाई जो भी उसमें जांच का विषय हो उसको आगे पूरा बढ़ाया जाए। एक कल जैसे पुलिस ने रिमांड में नहीं लिया, उनको जेल भेज दिया, उसको तत्काल फिर से रिमांड में ले करके उसके ऊपर 3rd degree यूज होना चाहिए। हमने कल एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और उसके सारे तथ्यों पे उन्होंने जांच का हमें भरोसा जरूर दिलाया है, लेकिन हम अभी तक की पुलिस की विवेचना से हम कतई भी संतुष्ट नहीं है। हम इसमें और गहरी विवेचना चाहते हैं। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है, इसके लिए विशेष टीम बनाई गई है और जो भी बातें सामने आएंगी उनको विवेचना का विषय बनाकर अपनी केसदारी में लाएगी। बहरहाल युवा व्यवसायी की हत्या और उसकी गुत्थी को भले ही पुलिस ने सुलझाने का दावा कर लिया हो, लेकिन इस मामले में अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।